दिल्ली में हुई हिंसा पर मशहूर अभिनेत्री दीप्ति नवल ने कहा है कि वो राजनीतिक मामलों पर नहीं बोलती हैं, लेकिन उनका इतना कहना जरूर है कि जो भी मसला है उसे आराम से सुलझाएं। हम सभी हिंदुस्तानी हैं और इसमें इतना घबराने और छटपटाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त मेरे साथ जानी मानी एक्ट्रेस दीप्ति नावल जी हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज फिल्म फॉर चेंज उसमें भी दिखाया गया मैसेज था, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी कि मैं जो फिल्म्स हैं जो मैसेजेस पे बन रही हैं, तो दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं ज़्यादा पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि मुझे उसकी अंदर की जो है वो इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आई हैवंट गॉटन टू द रूट कॉज ऑफ इट, सो इफ़ आई एम इल इन्फॉर्म्ड और मैं कुछ बयान दूँ तो वो सही नहीं होता, इसलिए मैं कोई मैसेज या कोई अपील नहीं, मैं बस मैं यही अपील तो यही हो सकती है कि एजिटेशन ना हो, मतलब कोई जो मसला है उसको पहले तो आराम से समझ लिया जाए कि क्यों कुछ कोई अगर चेंज हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं इंडिया में जो कि आने चाहिए भी, वो क्यों आ रहे हैं, उसमें किसका फ़ायदा है, जो लोग इतने छटपटा रहे हैं वो क्यों छटपटा रहे हैं, क्या इनसिक्योरिटी है, यू नो, जो कि जब नहीं होनी चाहिए। तो आई मीन जो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं और बाहर से भी आए, तो भी इफ़ देर इज़ अ प्रॉपर ग्राउंड फॉर यू, यू आर अ वैलिड ह्यूमन बींग, तो इतने घबराने झटपटाने की तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमेशा रहते आए सभी कौमों के लोग, तो आई डोंट सी के इतना मतलब ज़्यादा एजिटेशन और उस चक्कर में पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। फिल्म्स फॉर चेंज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे परीक्षा आज हमने देखी, उसमें भी एक मैसेज था। परीक्षा इज़ अ वंडरफुल ब्यूटिफुल फिल्म, इट इज़ आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ टीचर्स, माई बोथ माई पेरेंट्स हैव बीन टीचर्स ऑल देयर लाइफ, सो फॉर मी इट्स अ वेरी वेरी रेलिवेंट फिल्म, क्योंकि मैंने तो बचपन से यही सुना और समझा है कि पढ़ाई को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाए, बाकी सब बाद में। सो फॉर मी इट वाज सच अ ट्रिप बैक इनटू माय चाइल्डहुड। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी हमारे साथ दीप्ति नावल जी, जिनका साफ कहना था कि परीक्षा के बारे में उन्होंने बताया और उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह की वॉयलेंस हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन रोहन के साथ मैं फरहान, R9 TV दिल्ली।